हरे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को शिवालय में कैसे शिव की आराधना की जाती है सामान्य तरीके से, उसके विषय में बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अपने भोलेनाथ को जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करने के बाद आपको भोलेनाथ को दुग्ध से स्नान कराना है। दुग्ध से स्नान कराने के बाद आपको पुनः शुद्ध जल से स्नान कराना है। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात आपको भोलेनाथ को अच्छे तरीके से साफ करना है, पोंछना है उन्हें। पोंछने के बाद आपको चंदन लगाना है। ये मैंने घिसकर चंदन रखा हुआ, अष्टगंध चंदन और लकड़ी का, तो उसे आपको भोलेनाथ को लगाना है। ये भोलेनाथ का चंदन कंप्लीट हो गया। ये रुद्राक्ष की माला पहना दीजिए अगर आपके पास है, नहीं वह तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको बेलपत्र समर्पित करने हैं भोलेनाथ को, और जैसे आपकी इच्छा हो, अगर एक साथ आप चढ़ाना चाहते हैं तो एक साथ चढ़ा सकते हैं, और एक एक करके चढ़ाना चाहते हैं तो एक एक करके चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैंने बेलपत्र समर्पित कर दिया है। इसके बाद आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो, पुष्प जिनको बोलते हैं, वो आप समर्पित कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय। पुष्प समर्पित करने के बाद भोलेनाथ को दूर्वा दल समर्पित कीजिए, और दूर्वा दल समर्पित करने के पश्चात अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो चावल और चने की दाल चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से इसके बाद आप भोग लगाइए। भोग में, भोलेनाथ के भोग में आपको एक बेलपत्र रख देना है, उसके बाद आपको भोग लगाना है। तो पहले जल घुमा दीजिए भोग लगाने के लिए, उसके बाद आपको पंचग्रास मुद्रा प्रदर्शित करनी है। उदयनाश्वः, प्राणाश्वः, अपानाश्वः, समानाश्वः, अभ्यानाश्वः, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद आपको मध्यम पालिम जन्म समर्पयामि करके आपको भोग कंप्लीट कर देना है। उसके बाद आपको आरती करनी है। जो भी स्तुति आप भोलेनाथ की करते हैं या करना चाहते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा।
मैं तो रुद्राष्टक पढ़ती हूँ। नमामि शमेशान निर्वाण रूपम व्योहम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम मे गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटिक प्रभाषी शरीरम स्फुरन मौलिकल्लो नीचारु गंगा लसत भालु भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भोश्रुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम रगाधीश चरमं बरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्भं प्रेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूणं स्वर्णपाणिं भजेहं भवानी पतिं भवगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संधो मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नया वातु मानार पादारविंदं भजन्ति लोके परेवा नारायणं नतावशुखं चांति शन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवाशं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं अहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौ तथा तापमाना प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टमितं प्रोक्तं विप्रेणा हरदोषयेत् ये पठन्ति न भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। कुछ इस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा संपन्न हुई। आप भी सिंपल तरीके से आप अपने भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं।